एम कॉम फाइनल एफएम पेपर फिफ्थ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हेनरी फेयोल का प्रबंध में योगदान। हेनरी फेयोल को आधुनिक प्रबंध विचारधारा का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने प्रबंध के क्षेत्र में जिन सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है वे आज भी समस्त राष्ट्रों व संगठन में उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। प्रबंध एवं प्रशासन के क्षेत्र में फेयोल ने एक नए चिंतन को जन्म दिया जो अब फेयोलवाद के नाम से जाना जाता है। फेयोल ने मुख्य रूप से उच्च प्रबंध के बारे में अपने विचारधारा चिंतन दृष्टिकोण एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था जो आज संपूर्ण औद्योगिक जगत में प्रबंधकों के लिए मार्गदर्शन गाइड पोस्ट सिद्ध हो रहे हैं। फेयोल ने प्रबंध के सामान्य सिद्धांतों की चर्चा की है जो निम्नलिखित है। पहला है कार्य विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर। श्रम विभाजन विशिष्टीकरण की प्रक्रिया है। फेयोल के अनुसार प्रत्येक कार्य चाहे वह तकनीकी हो या अन्य विशिष्टीकरण के आधार पर किया जाना चाहिए। उनका मत था कि विशिष्टीकरण एक आधुनिक व्यवस्था है जो कि मानव समाज के साथ साथ प्रकृति एवं पशु पक्षी के जगत में भी लागू होती है। श्रम विभाजन में कार्य के प्रत्येक भाग को पृथक पृथक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य अधिक एवं श्रेष्ठ कार्य करना है। इनका दूसरा सिद्धांत था अधिकार एवं दायित्व अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। फेयोल ने कहा कि प्रबंध में अधिकार व दायित्व साथ साथ चलते हैं। दायित्वों के बिना अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। उनके शब्दों में उत्तरदायित्व अधिकारों का परिणाम है। यह अधिकार का सहज परिणाम एवं इसका दूसरा भाग है तथा जब भी अधिकारों का प्रयोग किया जाता है उत्तरदायित्वों का जन्म होता है। फेयोल के अनुसार आदेश देने का अधिकार तथा उसे पालन करवाने की शक्ति को अधिकार कहा जाता है। फेयोल ने प्रबंध के औपचारिक अधिकारों जो उसके पद एवं स्थिति से उत्पन्न होते हैं तथा व्यक्तिगत अधिकारों जो उसके विवेक अनुभव नैतिक योग्यता नेतृत्व गुण उसकी सेवाओं आदि से उत्पन्न होते हैं में अंतर करने का है। उनकी मान्यता था कि प्रबंध के औपचारिक अधिकारों में उसके व्यक्तिगत अधिकार आवश्यक रूप से सहायक होते हैं। उनका तीसरा सिद्धांत था अनुशासन डिसिप्लिन। किसी भी संस्था के कुशल संचालन एवं प्रगति में अनुशासन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फेयोल के अनुसार अनुशासन संस्था तथा इसके कर्मचारियों के मध्य हुए स्थायी समझौते के प्रति श्रद्धा एवं स्वीकृति है जो संस्था में आज्ञाकारिता प्रयुक्ति सहयोग तथा एक दूसरे के प्रति सम्मान लाने के लिए किए जाते हैं। ये समझौते लिखित या गर्भित पूर्णतः विचारित अथवा बिना विचार विमर्श के स्वीकृत दोनों पक्षों की इच्छा से उत्पन्न अथवा नियमों व परंपराओं पर आधारित हो सकते हैं। फेयोल ने कहा है कि प्रबंधक ही अनुशासन को जन्म देते हैं। डिसिप्लिन इज व्हाट लीडर्स मेक इट। उनका एक अन्य सिद्धांत था आदेश की एकता यूनिटी ऑफ कमांड। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी कार्य के लिए कर्मचारी केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। एक से अधिक अधिकारियों द्वारा आदेश दिए जाने पर कर्मचारी स्वपगीय कार्य को उचित रूप से पूरा नहीं कर सकेगा। उसे असुविधा होगी, अधिकार क्षतिग्रस्त होंगे, अनुशासन टूटेगा। उनका एक अन्य सिद्धांत था निर्देश की एकता यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फेयोल का यह सिद्धांत बताता है कि क्रियाओं के एक समूह जिसका उद्देश्य एक ही होता है का संचालन केवल एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए और उसकी एक ही योजना होनी चाहिए, वन हैंड वन प्लान। उनका एक आगे का सिद्धांत था व्यक्तिगत हित का सामान्य हित के अधीन होना। फेयोल ने संस्था के हितों को कर्मचारियों के हितों के आगे रखने पर जोर दिया। उनकी ये मान्यता था कि सामान्य हित एवं कल्याण को सदैव प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनका एक अन्य सिद्धांत था कर्मचारियों का पारिश्रमिक रेमुनरेशन ऑफ पर्सोनल। कर्मचारियों का पारिश्रमिक उनके द्वारा दी गई सेवाओं की कीमत है। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो कर्मचारी व संस्था दोनों के लिए संतुष्टि प्रदान करने वाला होना चाहिए। पारिश्रमिक की दर नियोक्ता की इच्छा व कर्मचारी की योग्यता के अतिरिक्त अन्य कई तत्वों पर निर्भर करती है जैसे निर्वाह लागत श्रम का बाहुल्य अथवा कमी सामान्य व्यावसायिक दशाएं संस्था की आर्थिक स्थिति आदि। फेयोल ने एक अन्य सिद्धांत दिया है केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन। फेयोल की मान्यता थी कि श्रम विभाजन की भांति केंद्रीकरण भी
प्रत्येक संगठन की एक प्राकृतिक अवस्था नेचुरल ऑर्डर है। केंद्रीकरण प्रबंध की एक ऐसी पद्धति है जो अपने आप में न अच्छी है न बुरी, जिसे परिस्थितियों या प्रबंध के अनुसार छोड़ा या अपनाया नहीं जा सकता। केंद्रीकरण कम ज्यादा मात्रा में प्रत्येक संगठन में विद्यमान रहता है। फियोल के शब्दों में, केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण का प्रश्न अनुपात का सरल है या किसी विशिष्ट संस्था के लिए अनुकूलतम मात्रा खोजने से संबंधित है। फियोल के ने सरल शब्दों में केंद्रीकरण अर्थ बताते हुए कहा कि प्रत्येक कार्य जिससे अधीनस्थों की भूमिका का महत्व बढ़ता है विकेंद्रीकरण कहलाता है, तथा जिस कार्य से अधीनस्थों का महत्व कम होता है केंद्रीकरण कहलाता है। फियोल ने सोपान श्रृंखला स्केलर चेन के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। संगठन के उच्च पदों से निम्न पदों तक फैली हुई अधिकारियों की श्रृंखला चेन ऑफ सुपीरियर्स को फियोल ने सोपान कहा है। उच्च स्तरों से चलने वाले अथवा उच्च स्तरों तक पहुंचाने वाले समस्त संदेशों जो श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी से होकर गुजरते हैं के द्वारा जिस मार्ग का अनुगमन किया जाता है वह सत्ता की पक्ति है। फियोल ने सोपान श्रृंखला के अंतर्गत समूह तत्वों गैंग प्लैंक्स के प्रयोग का सुझाव दिया था, जिसके अंतर्गत सोपान श्रृंखला को क्षतिग्रस्त किए बिना समतल संप्रेषण की उपयुक्त व्यवस्था की जा सकती है। फियोल ने एक सिद्धांत व्यवस्था ऑर्डर भी दिया है। व्यवस्था के सिद्धांत को फियोल ने इस प्रकार परिभाषित किया है, प्रत्येक वस्तु के लिए एक स्थान होना चाहिए और प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर होनी चाहिए तथा सही व्यक्ति सही स्थान पर होना चाहिए। फियोल ने समता इक्विटी का सिद्धांत भी दिया है। फियोल का विचार था कि प्रबंधक को प्रत्येक स्तर पर समता की भावना सेंस ऑफ इक्विटी उत्पन्न करनी चाहिए। संस्था में प्रत्येक कर्मचारी न्याय सहानुभूति एवं समानता के व्यवहार की आकांक्षा रखता है। फियोल ने न्याय जस्टिस के स्थान पर समता पर जोर दिया। फियोल ने एक अन्य सिद्धांत कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व पर भी दिया है। फियोल के मतानुसार किसी भी उपक्रम में कार्य करने वाले कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए ताकि वे नए कार्यों को ठीक से सीख सकें तथा उनका कुशलतापूर्वक निष्पादन कर सकें। फियोल ने कहा कि एक साधारण प्रबंधक जो दीर्घकाल तक संस्था में रुका रहता है उन प्रतिभा संपन्न प्रबंधकों से श्रेष्ठ है जो संस्था में केवल आते जाते रहते हैं। फियोल ने पहलपन का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था। किसी योजना का निर्माण तथा उसका सफल क्रियान्वयन एक प्रतिभाशाली कर्मचारी के लिए गहन संतुष्टि है। सोचने और उसे क्रियान्वयन करने की शक्ति को फियोल ने पहलपन कहा है। इनिशिएटिव कर्मचारियों को किसी योजना या विचार को प्रस्तावित करने और उसको क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता देकर उनकी कार्यक्षमता एवं उत्साह में वृद्धि की जा सकती है। पहलपन मानवीय प्रयासों के लिए एक सशक्त उत्प्रेरक तत्व है। फियोल का आखिरी सिद्धांत था सहयोग की भावना स्प्रिट डे क्रॉप्स। यह सिद्धांत संगठन ही शक्ति है यूनियन इज स्ट्रेंथ पर बल देता है तथा कर्मचारियों में आपसी सहयोग की भावना का विस्तार करता है। जहां अनेक कर्मचारी एक समूह में कार्य करते हैं तो उनमें मतभेद एवं टकराव होना स्वाभाविक होता है। आपसी फूट से न केवल कर्मचारी शक्ति क्षीण होती है बल्कि संस्था की प्रगति भी रुक जाती है। अतः प्रबंधकों को सहयोग एवं सामंजस्य की भावना उत्पन्न करने पर जोर देना चाहिए। फियोल के अनुसार सहयोग की भावना बनाए रखने के लिए आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए।